वेलकम टू जुगाड़ू बाबा। आज हम लोग रिपेयर करने वाले हैं फिलिप्स का ट्यूबलाइट। खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे दो लॉक लगे हैं, इसको हम लोग छुटकाते हैं यहाँ से। ये दबाएंगे, बाहर हो जाएगा। हो गया, देख सकते हैं 36 वाट 200 वोल्टेज 240 वोल्ट पे है। इसको खोलेंगे और उसको रिपेयर करना सीखेंगे। पहले एक चीरेदार पिन लेंगे, इसको कट कर देंगे। कट करते ही डिबिया निकल गई। हो सकता है ख़राब हो, हल्का सा ब्रेक दिख रहा है इसमें, बाकी वैसे कुछ क्लियर नहीं है कहाँ गड़बड़ हुआ है। इसको बाहर निकालते हैं और पूरी तरीके से इसको टेस्ट करते हैं। बड़े आसानी से साइड से लगाएंगे, ऐसे उठाएंगे। इधर भी यही करना है और सेम इधर करना है। ऐसे करने से ये देखिए इस पर दिख रहा है कि जला हुआ है। हमें बताया नहीं था, हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ दिक्कत है। इसको हम पलट के देखते हैं, देख सकते हैं एक सर्किट फूका है, दूसरा सर्किट फूका। ये दोनों के फूक जाने से ये सप्लाई पार नहीं हो रही थी। क्या है, ये यहाँ से सप्लाई आ तो रहा है, यहाँ आते आते ब्रेक हो जा रही है। ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं। इसको अगर हम स्टार्ट भी कर देते हैं तभी पूरी सर्किट जल जाएगी। अभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जल गया है, यहाँ पर जल गया है। इसको हम लोग बदलेंगे और फिर इसको ट्रायल लेंगे कि हमारा वर्क में है कि नहीं, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी तो मुझे समझ में आ गया है कि ये जल चुका है, दो जगह जलने से वर्क नहीं करेगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर किया जाता है और कैसे वर्क कर रहा है। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि ये सर्किट में जला हुआ कहाँ पे है। जले हुए को तो मैंने ढूंढ लिया है, इसको मैं रिपेयर करूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।